जेल में महिला कैदियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उन्नाव के सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने सराहनीय पहल की है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जरिए महिला कैदियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। साथ ही सीडीओ के प्रस्ताव को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की स्वीकृति की मोहर लगते ही इस पर काम करना भी शुरू कर दिया गया। सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत महिला कैदियों को मधुमक्खी के छत्ते से दीपक बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 50,000 दिए बनाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के साथ ही जरी जरदोरी का भी प्रशिक्षण किया जाएगा। सीडीओ ने बताया कि जरी जरदोरी के तहत जिले को ODOP में शामिल किया गया है। इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिला कैदी जेल से छूटने के बाद स्वरोजगार व स्वावलंबी बन सकेंगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम सभी के मन में एक विचार आया कि त्योहारों का समय है और महिलाओं को हम निरंतर नए नए रोजगार के मार्ग प्रशस्त हों, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। इस संबंध में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से जब मैंने वार्ता की कि जेल में जो हमारी महिला बंदी हैं उन्हें त्योहारों के समय अलगाव महसूस ना हो या उन्हें ऐसा ना कोई ऐसी भावना ना पनपे कि वो समाज से अलग रह रही हैं, तो शासन की कई सारी योजनाएँ और शासन की मंशा रहती है कि जेल में भी सुधार के कई कार्यक्रम कराए जाएँ। इसके संबंध में NRLM DC NRLM से मैंने बात की और एक विचार आया कि जो दिए बनाने की पद्धति है उसे अगर हम कारागार में शुरू करें और किसी समूह के माध्यम से जोड़ें तो जो न केवल उन्हें आय होगी बल्कि उनका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ उन्हें समाज से अपना जुड़ाव निरंतर बना प्रतीत होगा और शासन की जो मंशा है कि सभी का विकास, सबका साथ सबका विकास रहे, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। जेलर राजीव सिंह ने भी जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए इसे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाला बताया। अस्तित्व न्यूज के लिए उन्नाव से निशानाथ पांडे की रिपोर्ट।